जो द्वार पर वजह थोड़ा नबर नेर आका बन जरूरी पड़ा इस गई वो मागरे वन आज कर सिंपल तरीका आप का एक स्टेटमेंट आया है कि रियासत में 370 कायम हो सकती है। क्या होगी 370 खत्म करने से ही रियासत में अमन कायम हो सकता है। अफसोस कहना पड़ता है डिग्रियां लेकर क्यों खराब कर दिया। आज भी मालूम नहीं है दफा 370 से एक दूसरे से क्या तालुक है। मैं समझता हूँ मैंने पूरी पढ़ाई जाए इसलिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूटा गया लेकिन 370 जब तक जिंदा इंसानियत मैंने इसीलिए बताया है मैंने कल भी बताया है कि ये बगैर किसी मोहम्मद तुगलुक जैसा आदमी है जिसने ये ऐसा कोई रिटर्न ऑफ मोहम्मद तुगलुक मोदी के जमाने में रिटर्न ऑफ डिक्टेटर रिटर्न ऑफ मोहम्मद तुगलुक ये सब मोदी के वक्त में हो सकता है। आर्मी की सुरक्षा जरूरी है लेकिन 48 घंटे एक स्टेट हेडक्वार्टर दूसरे हेडक्वार्टर से डिसकनेक्टेड नहीं रह सकता। दूसरे हिंदुस्तान के किसी 10 घंटे देखें तो फिर क्या तूफान है। यही तो मोदी की समझ में नहीं आता है ना। जम्मू कश्मीर में वो जो भी कानून चाहें कर सकते हैं। ज़रा दिल्ली में लगा के देखें ज़रा गुजरात में 48 घंटे अहमदाबाद का ट्रैफिक सूरत से बंद करके देखें 24 घंटे में उसकी प्राइम मिनिस्ट्री जाएगी। इसलिए गवर्नर भी होश में आए ये सरकार भी होश में आए और इंसानों की तरह सलूक करें यहाँ के लोगों के साथ। ये बहुत गलत बात है। वह आधा दिन होना चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आधा सिविलियन के लिए। कितने रोज पेशेंट मर रहे हैं पहले तुम्हारे गोलियों से और अब सड़कें बंद करके लोगों को मार रहे हैं। आजाद साहब आजम खान को 72 घंटे लगी थी तो यूपी के चीफ मिनिस्टर को 5 साल का बैन लगना चाहिए था। आजाद साहब मीर साहब।